हेलो एवरीवन, वी वर रीडिंग अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. क्लास 10th टॉपिक दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. द टॉपिक्स वी ऑलरेडी कवर्ड आर, वी कवर्ड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? देन वी कवर्ड ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन ने पढ़ लिया था. नेक्स्ट फिर अपन ने मेथड्स पढ़े थे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. जिसमें अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था. जब अपन ने ये तीन टॉपिक्स पढ़े थे तब अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ा था. एक तो अपन ने पढ़ा था एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. फिर सेकेंड मेथड अपन ने पढ़ा था एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स. और इसका थर्ड मेथड अपन ने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तीन मेथड्स अपन ने पढ़े थे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग में. फिर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी. और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने इससे रिलेटेड कर लिए थे. ये टॉपिक्स अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में. अब एक टॉपिक बचता है अपने पास नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स. ये अपन को आज वाली क्लास में पढ़ना है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. अब वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है पहले एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या गिवन होगा? आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, मतलब एक लैंग्वेज पूरा गिवन है, क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में. उसको पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है. लैंग्वेज रीड करके पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. ये जो अपन ने तीन मेथड्स पढ़े थे इसमें ऑलरेडी इक्वेशंस गिवन थी और अपन ने किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व किया था. अब जो है वर्ड प्रॉब्लम, आपको इक्वेशन भी खुद को फ्रेम करनी है और फिर किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना है. अब अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, तो अपन उससे करते हैं. बट वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, किसी भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हो, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी. अब इक्वेशंस कैसे फ्रेम करने हैं वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. सो टुडेज टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स. वॉट वी हैव टू डू इन दिस इज आपको पहले इक्वेशंस फ्रेम करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन. फाइंड टू नंबर्स such that the sum of twice the first and thrice the second, sum of twice the first and thrice the second is 89 and four times the first exceeds five times the second by 13. ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 89 एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड फाइव टाइम्स द सेकेंड बाय 13. लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करो व्हाट वी हैव टू फाइंड. सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना पड़ेगा अपन को. देखो आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन रीड करो. फाइंड टू नंबर्स, आपको क्या फाइंड करना है, दो नंबर्स. तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है वो लैंग्वेज रीड करो. दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उन्हीं को लेट कर लो, एक्स और वाई. दो वेरिएबल में अगर सॉल्व करना है तो
लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मैंने लेट कर लिया कि दो नंबर्स कौन से हैं, एक्स और वाई, जो निकालना है। अब लैंग्वेज रीड करें, हाफ हाफ में रीड करना है, एग्जैक्ट एक साथ रीड नहीं करना है। दैट मीन्स सच दैट, आगे रीड करते हैं, द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, क्या बोल रखा है, ट्वाइस द फर्स्ट, आधा आधा करके रीड करेंगे। फर्स्ट नंबर कौन सा था, एक्स, इसका ट्वाइस मतलब टू एक्स। ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड, सेकेंड वाले का थ्राइस, सेकेंड नंबर कौन सा था, वाई, और क्या बोल रखा था, द सम ऑफ, इन दोनों का सम। द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकेंड इज 89, वो किसके इक्वल है, 89 के। ये आपकी एक इक्वेशन फ्रेम हो गई, इक्वेशन नंबर वन। यहाँ तक रीड कर लिया, अब आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं। एंड फोर टाइम्स द फर्स्ट, क्या बोल रखा है, फोर टाइम्स द फर्स्ट, पहले वाले का फोर टाइम्स, दैट इज फोर एक्स। फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स फाइव टाइम्स द सेकेंड, एक्सीड कर रहा है फाइव टाइम्स द सेकेंड, सेकेंड कौन सा है, वाई, इसका फाइव टाइम्स, वाई का फाइव टाइम्स। अब आप इसे रीड करते हैं, फोर टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड्स फाइव टाइम्स द सेकेंड बाय 13, मतलब ये जो है फोर टाइम्स द फर्स्ट, ये फाइव टाइम्स द सेकेंड से 13 ज़्यादा है, एक्सीड्स का मतलब 13 ज़्यादा है। ये नंबर इससे 13 ज़्यादा है, अगर मैं इस नंबर में 13 ऐड कर दूंगी तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। बोल रखा था ये एक्सीड कर रहा है इससे, तो ये छोटा है, तो इसमें 13 ऐड कर दो, या फिर इसमें से 13 ऐसा प्रैक कर दो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5y को इधर ले जाते हैं, तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 13, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। दो इक्वेशन फ्रेम हो गई। अब आप किसी भी एक मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 89, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 13। आपको तीनों मेथड में से कोई एक मेथड यूज़ करना है। लेट अस सपोज मैं सेकंड मेथड यूज़ कर रही हूँ, दैट इज इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। इन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, 15, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से, ही अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को इंटू 3 कर देते हैं। जब इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, और इसको और ईजी करने के लिए, एक तो एक मेथड ये है, इस क्वेश्चन को और ईजी करने के लिए देखो, अगर इसका कोएफिशिएंट 3 और 5 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 और 4, तो इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 4 है, तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली को। तो रादर देन दिस व्हाट वी विल डू इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा, ये ऑलरेडी 4 है, तो सिर्फ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, तो LHS में करा है तो आपको RHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 18178। नाउ सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 13। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट होकर 11y हो जाएगा। जब आप इन दोनों को, एक प्लस है और एक माइनस है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 165। सो y इज इक्वल टू 165 बाय 11, सॉल्व करके अपन को कितना मिल जाएगा, 15 y मिल गया। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट करके अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की। लेट अस सपोज मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट कर रही हूँ, हेयर इट इज 2x प्लस 3y, y की वैल्यू कितनी है, 15 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 89। 2x प्लस 45 इज इक्वल टू 89, सो 2x इज इक्वल टू 89 माइनस 45, और वी कैन से 44, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 22। ये x मिल गया और ये y मिल गया। अब क्वेश्चन में अपन से क्या पूछा था, फाइंड टू नंबर्स, सो दो नंबर्स कौन से थे, x और y। तो पहला नंबर तो मेरे x की वैल्यू कितनी हो गई, 22, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 15। ये दो नंबर्स मैंने फाइंड आउट कर लिए यहाँ से।
नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ वन इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ हाउएवर 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. Find the fraction. Second question क्या है अपने पास? A fraction becomes 4/5. एक fraction है वो कितना हो गया अपने पास 4/5. अच्छा सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि word problem करने के लिए सबसे पहले क्या करना है अपन को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. जो फाइंड आउट करना है वो देखना है अपन को और उसी को लेट करना है एक्स और वाई के फॉर्म में. लेट द फ्रैक्शन बी, लेट कर देते हैं. फ्रैक्शन जो है वो कितना है अपने पास एक्स बाय वाई. लेट कर लिया है कि फ्रैक्शन जो निकालना है वो कितना है एक्स अपॉन वाई. अब रीड करते हैं क्वेश्चन को. अ फ्रैक्शन बिकम 4/5. एक फ्रैक्शन जो है वो 4/5 बन जाता है इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दूं 1. अभी फ्रैक्शन ये था एक्स अपॉन वाई, वो कितना हो जाएगा 4/5. कब? जब मैं 1 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड कर देती हूँ. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जब अपन एक्स में भी 1 ऐड कर दें और वाई में भी 1 ऐड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 4/5. इस तरह से इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 5x + 5 इज इक्वल टू 4y + 4. 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. 4y को इधर भेज देते हैं, 5 को इधर लेकर आ जाते हैं. सो इट विल बी इक्वल टू 5x - 4y इज इक्वल टू 4 - 5 करेंगे कितना जाएगा -1. ये बन गई एक इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए आगे क्वेश्चन रीड करते हैं. पहले आपको एक इक्वेशन फ्रेम करनी है, फिर आप सेकेंड इक्वेशन के लिए आगे स्टेटमेंट रीड करो. इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, न्यूमरेटर कितना था एक्स, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया. डिनोमिनेटर कितना था वाई, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया. 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम 1/2. तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2. आप अगर वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे तोड़ तोड़ के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजी लगेगा, राधर देन अगर आप पूरा एक साथ रीड कर दोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है. इससे अपन ने शॉर्ट शॉर्ट में अपन ने क्या करा, इक्वेशन फ्रेम कर दी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 10 इज इक्वल टू वाई माइनस 5. 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई को इधर ले आते हैं, 2x - y. माइनस 5 प्लस 10 करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा. ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन गई. अपना मेन टास्क क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, दो इक्वेशन फ्रेम करना, फिर किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर देते हैं. अब दो इक्वेशन कौन कौन सी बनी, पहली इक्वेशन बनी है मेरे पास 5x - 4y इज इक्वल टू -1. सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 5. अब कौन से मेथड से करना है, सेकेंड मेथड से इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से कर लेते हैं. इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसको 4 बनाने के लिए इनटू 4 कर देते हैं. इस इक्वेशन को इनटू 4 कर दिया, इस इक्वेशन को इनटू 1 कर देंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 5x - 4y इज इक्वल टू -1. इसको करेंगे तो 8x - 4y इज इक्वल टू 20. साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. प्लस 5x - 3x करेंगे तो माइनस का माइनस 8x करेंगे, माइनस 3x आएगा.
माइनस वन माइनस ट्वेंटी करेंगे माइनस ट्वेंटी वन आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी सेवन। एक्स मिल गया, अब आपको क्या निकालना है वाई, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, लेट अस सपोज यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ जब पुट करेंगे तो टू एक्स माइनस एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है सेवन, टू टाइम्स ऑफ सेवन माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, सो वाई इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस फाइव विच इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास नाइन। ये वाई निकल गया, यहाँ से एक्स निकल गया, अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसके इक्वल था, एक्स बाय वाई के, सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना था मेरे पास एक्स बाय वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है सेवन और वाई की वैल्यू नाइन, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा मेरे पास सेवन बाय नाइन। यहाँ से अपन फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो वही चीज़ मैं स्टूडेंट्स बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, जब तक आप इक्वेशन को तोड़ तोड़ के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एक साथ रीड नहीं करना है अपन को क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री इज द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स is 132. If 12 is added to the number, 12 is added to the new number becomes 5 times the sum of the digits. Find the number. So this is third question of numbers only. अपने starting के दो questions जो करे वो भी number के base पे थे, पहला भी number के base पे था, second fractions के base पे था, ये two digit number के based पे है। अब इसका solution देख लेते हैं। Now in this given a sum, the sum of a two digit number and a number formed by, एक टू डिजिट नंबर है और एक नंबर, आपसे बोला क्या गया है टू डिजिट नंबर और वही नंबर फाइंड करना है, तो टू डिजिट नंबर किस फॉर्म में होता है देख लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स वाई, मैंने अभी आपको बताया जो फाइंड आउट करना है उसी को लेट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर को लेट कर दिया एक्स वाई। अब एक्स वाई एक नंबर है जो कि टू डिजिट नंबर है, अब आपको पता है जब भी अगर एक टू डिजिट नंबर होता है जैसे 23 एक नंबर है, इसकी जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो अपन कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेंथ डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई 3 डिजिट नंबर होता है 2, 3, 4, तो अपन 100 डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेंथ डिजिट को 10 से कर देते हैं और यूनिट डिजिट को 1 से कर देते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर भी आपको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म के फॉर्म में लिखना है। यहाँ से जो नंबर मिलेगा मुझे अपना टू डिजिट नंबर जो होगा ये एक्स वाई है, टेंथ डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से और यूनिट डिजिट को 1 से, तो टेंथ डिजिट को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 10x और यूनिट डिजिट को 1 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा y, ये आपके पास नंबर बन गया। अब मुझे किस वैल्यू निकालनी है 10x प्लस y, 10x प्लस y की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा x और y, उसके लिए क्वेश्चन रीड करते हैं। द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर यही है, एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स मतलब जो पहले टेंथ डिजिट थी एक्स वाई था, अब जो इंटरचेंज नंबर बनेगा
आपके पास जो इंटरचेंज नंबर होगा, जिसको अपन रिवर्स नंबर भी बोलते हैं, उसमें क्या करना है, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। जो टेंथ प्लेस पे वंस प्लेस पे आ जाएगी, वंस प्लेस वाली टेंथ प्लेस पे आ जाएगी, तो नंबर कैसा बन जाएगा, वाई एक्स। और इसकी अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे अपन, तो इंटरचेंज नंबर, टेंथ डिजिट को टेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y+x, ये आपका इंटरचेंज नंबर हो गया, ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132। इन दोनों का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 132। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इट इज गिवन 10x+y+10y+x इज इक्वल टू 132। 10x और x कितना हो जाएगा, 11x। y और 10y, 11y इज इक्वल टू 132। 11 कॉमन ले लेंगे अपन यहाँ से, यहाँ पर आ जाएगा x+y इज इक्वल टू 132। सो वी विल गेट x+y इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास x और y के फॉर्म में। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होता है, आगे क्वेश्चन रीड करना है। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या था मेरे पास, 10x+y, 10x+y, 12 ऐड करना है इसमें, 12 ऐड कर दिया। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। ये जो नया नंबर बन गया वो क्या है, 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट कौन कौन सी थी, एक्स और वाई, 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मतलब x+y। यहाँ से एक इक्वेशन फ्रेम करते हैं, वी विल गेट 10x+y+12 इज इक्वल टू 5x+5y। 5x को यहाँ भेज देते हैं, 5y को यहाँ भेज देते हैं, 10x-5x 5x हो जाएगा, y-5y करेंगे माइनस का 4y आ जाएगा, और 12 को यहाँ भेजेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। ओके, सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट के लिए अगर यहाँ पर 4 है तो इसके पास ये 4 होना चाहिए, तो सिर्फ इस इक्वेशन को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। 4 से जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4x+4y इज इक्वल टू 48। और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 5x-4y इज इक्वल टू -12। सॉल्विंग दिस इक्वेशन ये भी कट, ये दोनों कट जाएंगे, तो वी विल गेट 9x इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वाई की। लेट सपोज मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ, तो 4+y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। आई विल गेट 4+y इज इक्वल टू 12। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8। आपको एक्स मिल गया और वाई मिल गया, वॉट यू हैव टू फाइंड इज नंबर। नंबर क्या था मेरे पास, एक्स वाई, एक्स वाई मतलब 48 हो जाएगा। सो आपका ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, 48। ये तीन क्वेश्चन अपन ने किसके बेसिस पे कर लिए, नंबर्स के बेसिस पे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे एजेस के बीच बेस पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, 10 ईयर्स अगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, एज ओल्ड एज हिज सन, एंड 10 ईयर्स हैंस, 10 ईयर्स हैंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी। Find their present ages. Okay, so question क्या है, question है base of ages पे, उसका solution देख लेते हैं।
आपको सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। किसकी एजेस बोल रखा है, सन और फादर के बारे में बात चल रही है, तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स। प्रेजेंट एज मैंने फादर की क्या मान ली, एक्स, और सन के क्या मान लेते हैं, वाई। किसी की भी आप एक्स मान सकते हो, किसी की वाई मान सकते हो। और सेम प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। सन की प्रेजेंट एज मैंने क्या मान ली, वाई। अब आगे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीड करेंगे, बस अपन पहले देख लें निकालना क्या है और उसको मेंशन कर लें। अब क्या बोल रखा है, 10 years ago, किसकी बात चल रही है, 10 years ago। 10 years ago मैं अगर देखूं तो फादर की एज अभी एक्स है प्रेजेंट, तो 10 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 10। तो फादर की जो एज होगी वो कितनी होगी, एक्स माइनस 10, और सन की एज कितनी होगी, वाई माइनस 10। अगर प्रेजेंट एज एक्स है और वाई है तो 10 साल पहले कितनी होगी, एक्स माइनस 10 और वाई माइनस 10। 10 years ago फादर वॉज 12 times एज ओल्ड एज ए सन। फादर की जो एज थी वो 12 times है सन की एज के। फादर की एज कितनी है, एक्स माइनस 10, ये 12 times है सन के एज के, दैट इज वाई माइनस 12 के, वाई माइनस 10 के। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 12y-120। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 12y को यहाँ भेज देते हैं, तो वी विल गेट एक्स माइनस 12y। ये 120 माइनस में था, यहाँ पर प्लस 120 हो जाएगा, तो माइनस का 1 1 10 रह जाएगा। ये एक इक्वेशन फ्रेम हो गया आपके, इक्वेशन नंबर 1। आगे रीड करते हैं, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। एंड 10 years हैंस, अब किसके बारे में बात चल रही है, 10 years हैंस। 10 years हैंस का मतलब क्या है, 10 साल बाद। 10 years हैंस अगर मैं बात करूँ तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10, और सन की एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 10। 10 years हैंस 10 साल बाद, ही विल बी, ही किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, फादर के लिए। ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सन। फादर की एज जो होगी वो ट्वाइस हो जाएगी सन के एज की। फादर की एज कितनी है, एक्स प्लस 10, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई प्लस 10। ये सन की एज है कितनी, वाई प्लस 10। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y+20। 2y को यहाँ भेज देते तो एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आपके पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये आपके पास थी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में अपन को सॉल्व करने के लिए अगर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड यूज़ करूँ तो सबसे ईजी हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि इन दोनों का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो आपको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास एक्स माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 1 1 10। सेकेंड है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10। साइन चेंज कर दिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 12 प्लस 2y करेंगे तो माइनस का 10y आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस 120। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 12। ये वाई मिल गया, वाई को किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे, एक्स निकाल लेंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन ईजी है, इसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस 2y, दैट इज 2 times of 12 इज इक्वल टू 10। सो एक्स इज इक्वल टू 10+24, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34। ये मैंने किस किस की वैल्यू निकाल ली, एक्स और वाई की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अगर आपसे प्रेजेंट एज पूछी है, मतलब आपको क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी थी, एक्स, देयरफॉर 34 years हो जाएगी फादर की एज। सन की प्रेजेंट एज कितनी थी, वाई, दैट इज वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12 years। तो यहाँ से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मतलब प्रेजेंट एजेस अपन ने सन और फादर के निकाल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रेवल्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किए वो अपन ने नंबर्स और एजेस पे कर लिए। ये अपन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम प्रोसेस करेंगे जैसे अपन ने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चंस में किया है। आपको पहले लेट करना पड़ेगा जो गिवन जो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द कार। तो लेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, और सेकंड किसके लिए लेट करना है? कार के लिए। एंड द स्पीड ऑफ कार बी वाई। ट्रेन और स्पीड और इसके बने दोनों की स्पीड लेट कर ले। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। टोटल वो कितने किलोमीटर कवर कर रहा है? 600 किलोमीटर, कुछ ट्रेन से कुछ कार से। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 120 किलोमीटर कवर करता है तो पहले कौन सा केस ले लेते हैं अपन? फर्स्ट केस ले लेते हैं। अगर वो ट्रेन से कितना कवर कर रहा है? 120 किलोमीटर। ट्रेन से अगर 120 किलोमीटर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने? 600 किलोमीटर। तो बाकी रिमेनिंग किससे करी होगी? कार से। तो कार से कितना करेगा? 600 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 480 किलोमीटर वो किससे कवर करेगा? कार से। ये अपना फर्स्ट केस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ट्रेन से कितना कवर किया उसने? 120 किलोमीटर। और कार से कितना किया है? 48 किलोमीटर। अब ट्रेन के लिए स्पीड कितनी थी? एक्स किलोमीटर पर आवर। और कार के लिए स्पीड कितनी थी? वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसमें बोल रखा है कि अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से कवर करता है और रेस्ट कार से करता है तो उसको कितने लगते हैं? 8 आवर्स लगते हैं। अब गिवन क्या है? टाइम गिवन है, तो अपन को पहले टाइम निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला पता है अपन को, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं अगर ट्रेन के लिए टाइम निकालूँ तो ट्रेन के कितने डिस्टेंस कवर करिए? 120 किलोमीटर। और कितने स्पीड से करिए? एक्स से। तो कितना टाइम लगेगा? 120 बाय x, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और कार से कितना टाइम लग रहा है उसको 480 किलोमीटर कवर करने के लिए? y स्पीड से कितना लगेगा? 480 बाय y। और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने कितना टाइम दे रखा है अपन को? 8 आवर्स लग रहे हैं दोनों को मिलाकर। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं। ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन से कितना कवर कर रहा है? ट्रेन से कवर कर रहा है 200 किलोमीटर एंड द रेस्ट बाय कार। तो कार से कितना कवर करेगा? टोटल 600 किलोमीटर था, उसमें से 200 ट्रेन से कवर कर दिया, तो 400 किलोमीटर वो कार से कवर करेगा। इसके लिए कितना टाइम लगेगा? 200 बाय x प्लस 400 बाय y। अब उसके लिए बोल रखा है 20 मिनट्स लॉन्गर लग रहे हैं, मतलब पहले 8 आवर्स लग रहे थे, अब 8 आवर्स 20 मिनट्स लग रहे हैं। 20 मिनट्स को अगर आवर्स में चेंज करेंगे तो 20 बाय 60 1 बाय 3 हो जाएगा।
तो यहाँ से लग रहा है 8 1/3, ये टाइम हो गया। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब अपन ने एक मेथड पढ़ा था लास्ट क्लास में, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन। ये वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स कहाँ हैं? डिनोमिनेटर में। तो पहले इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लेट कर लेते हैं, 1/x को मैंने u मान लिया और 1/y को मैंने v मान लिया। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 120u प्लस 480v इज इक्वल टू 8, और यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 200u प्लस 400v इज इक्वल टू 8 1/3 इज इक्वल टू 25/3। अब ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन टू है। सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, जब अपन वन और टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, एक तो यू की और एक वी की। अब यू और वी की जो वैल्यूज मिलेंगे वो मिलेगी, यू की वैल्यू मिल जाएगी 1/60, और यू की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वी की। और वी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/80। अब यहाँ से मैंने क्या निकाला? यू और वी की वैल्यू निकाली, जबकि मुझे निकालना क्या है? एक्स और वाई निकालना है। तो मुझे एक्स और वाई निकालने के लिए पहले यू और वी की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। u की वैल्यू कितनी है? 1/60, और v की वैल्यू 1/80। अब अपने पास 1/x किसके इक्वल था? u के। तो अपन ये बोल सकते हैं 1/x गिवन था u के इक्वल, और 1/y गिवन था v के इक्वल। तो 1/x कितना हो जाएगा? 1/u की वैल्यू कितनी है? 1/60। और 1/y किसके इक्वल है? v के। और v की वैल्यू कितनी है? 1/80। जो यहाँ से मैंने u और v की वैल्यू निकाली वहाँ पुट कर दी। जब अपन यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 60 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा था? स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? y, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बोट गोस 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अपने पास एक क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पे रिलेटेड ही है, बट इसके लिए अपन को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज़ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है। अपस्ट्रीम का मतलब है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक अपने पास बोट है और एक वाटर है। अब अगर ये बोट है, किसकी बात चल रही है? बोट और स्ट्रीम की, बोट और स्ट्रीम।
अगर बोट और स्ट्रीम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब आपका वाटर का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है और बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अपन क्या बोलेंगे? बोट जो है वो अपस्ट्रीम मूव कर रही है। कब? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? बोट इज मूविंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि बोट जो है वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में वाटर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है? बोट। अगर बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे? बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। तो मतलब क्या है? बोट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है। मतलब बोट इज मतलब फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर ओनली, तो डाउन स्ट्रीम। बोट इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर, दैट मीन्स अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ में आ गया? अब देखो, इसमें आपको चार लाइंस याद होनी चाहिए। लाइंस मतलब आपको स्पीड पता होनी चाहिए किसके किसकी क्या स्पीड होती है। सॉल्यूशन देखते हैं। एक होता है अपने पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सेकेंड होता है अपने पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर इसको करंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है अपने पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, एंड नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ये चार लाइंस हर क्वेश्चन में अपन को अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले में लिखनी है। लेट कर लेते हैं, इसकी स्पीड अगर एक्स किलोमीटर पर आवर है, किसकी? बोट की स्पीड वाटर में। सेकेंड अगर अपन बोल रहे हैं स्ट्रीम मतलब वाटर की या फिर करंट की स्पीड जो है वो वाई किलोमीटर पर आवर है। अब स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, यह है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है? स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस कर देते हैं, मतलब बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस कर देंगे तो किसकी मिल जाएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है? बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टिल वाटर में से ही स्ट्रीम की माइनस करनी, क्योंकि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी वाटर की कम होगी तभी बोट मूव करेगी, वरना मूव नहीं करेगी। अगर आप वाई में से एक्स माइनस कर देते हो तो नेगेटिव आएगा, आपकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपको एक्स में से किसको माइनस करना है? वाई में से। अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई होगी और डाउन स्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई होगी, प्लस में तो अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वाला पहला केस ले लेते हैं। केस वन है जब वो अपस्ट्रीम जो है वो कितना जा रही है? 12 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम जो है वो कितना मूव कर रही है? 40 किलोमीटर। इन दोनों को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। अब टाइम गिवन है, मतलब उनको टाइम निकालना है। अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 12। और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी थी? एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर, प्लस डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है? 40। और उसकी स्पीड कितनी थी? एक्स प्लस वाई। इन दोनों को मिलाकर उसको कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। ये केस वन हो गया। केस टू ले लेते हैं इसका। अच्छा, पहले अब सेकंड केस में बोल रखा है इट कैन कवर 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम जो है वो कितना जा रहा है? वो 16 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम जो है वो कितना जा रहा है? वो 32 किलोमीटर। इसके लिए कितना टाइम लगेगा? 16 के लिए अपॉन एक्स माइनस वाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डाउन स्ट्रीम के लिए 32 अपॉन एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसने क्या बोल रखा है? इट कैन कवर 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। सेम टाइम मतलब पहले जो 8 आवर्स लग रहे थे अभी कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स लग रहे हैं। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले अपन को इनको किस में चेंज करना पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। तो लेट कर लेते हैं यहाँ से। वन अपॉन एक्स माइनस वाई को मैंने यू मान लिया, और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने वी मान लिया। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इक्वेशन रिड्यूसेबल में। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 12u प्लस 40v इज इक्वल टू 8। यहाँ से जो बनेगी वो बनेगी 16u प्लस 32v इज इक्वल टू 8। आप जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? u और v की। सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशन, लेट अस सपोज ये थ्री थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, आपको u और v की वैल्यू मिल जाएगी। आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। u की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, u की वैल्यू मिल जाएगी 1/4
और v की वैल्यू मिल जाएगी 1/8। यहाँ से u और v की वैल्यू मिल गई। अब u और v की वैल्यू मिल गई, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। अब x और y कहाँ था मेरे पास, ये 1 अपॉन x माइनस वाई को मैंने u माना था, 1 अपॉन x माइनस वाई यू के इक्वल था, दैट मीन्स 1/4 के इक्वल हो जाएगा, और 1 अपॉन x प्लस वाई वी के इक्वल था, दैट मीन्स 1/8 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू 4 और x प्लस वाई की वैल्यू 8। सॉल्व कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई मेरे को, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसके लिए चार लाइनें याद होनी चाहिए आपको, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एट मैन एंड 12 बॉयज कैन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and one boy alone to finish the work. ये क्वेश्चन अपने पास। अब इसमें बोल रखा है कि 8 मैन और 12 बॉय अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम करते हैं, 10 दिन में, और अगर 6 मैन और 8 बॉयज़ अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 14 डेज लगते हैं। अब आपको निकालना है कि अगर एक अकेला आदमी कितने दिन में उसी काम को करेगा जो काम 6 मैन 12 बॉयज़ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में, वही वर्क एक सिंगल मैन और एक सिंगल बॉय कितने दिन में करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वही लेट करना पड़ेगा इसमें भी अपन को। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। तो अपन वही मान लेते हैं कि वन मैन अलोन क्या पूछ रहे हैं अपन से, एक मैन एक कितना काम करेगा। तो वन मैन अलोन आपको इन क्वेश्चंस में, मैन डेज वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन पता होती है कि अगर एक मैन एक्स डेज में काम कर रहा है तो उसका वन डे वर्क जो होता है वो कितना होता है, 1/x। जैसे अगर कोई मैन एक पूरा काम दो दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, हाफ। 5 डेज में कर रहा है तो वन डे में कितना करेगा, 1/5 पार्ट। तो अगर एक्स डेज में कर रहा है तो 1/x डे। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या लेट कर लेते हैं, लेट वन मैन्स वन डे वर्क इज इक्वल टू कितना है, 1/x। अगर एक मैन को पूरे एक्स डेज लग रहे हैं तो वन डे में कितना काम करेगा, 1/x। और लेट बॉय वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/y, 1 बॉयज़ वन डे वर्क। एक बॉय का एक दिन का वर्क मैंने 1/x मान लिया। अगर एक मैन एक दिन में 1/x कर रहा है तो पूरे डे पूरा काम एक्स डेज में करेगा। बॉय अगर वन डे में 1/y कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, वाई डेज में। तो अपन को एक्स और वाई मिल जाएगा वहाँ से। अब आपसे क्या बोल रखा है, एट मैन एंड 12 बॉयज़, अगर वन मैन
वन मैंस वन डे वर्क, अगर वन मैन एक दिन में वन अपॉन एक्स कर रहा है तो एट मैंस कितना करेंगे, एट बाय एक्स। प्लस 12 बॉयज़ हैं, अगर वन बॉय वन डे में वन अपॉन वाई कर रहा है तो 12 बॉयज़ कितना करेंगे, 12 अपॉन वाई। और ये दोनों मिलाकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, वन डे में। अच्छा, इनका मैंने यहाँ से क्या निकाला कि वन डे में इतना काम करेंगे, वन डे में इतना काम करेंगे, तो वन डे में इतना ही पार्ट होगा। पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज़ में, तो वन डे में कितना पार्ट करेंगे, 1/10। तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपके यहाँ से एक्स और वाई की फॉर्म। इसमें आपको किस में लेना है, रेसिप्रोकल में। वन डे वर्क से ही क्वेश्चन करेंगे मैन डेज वाले। सेकेंड आपको दे रखा है सिक्स मैन, सिक्स मैन मतलब कितने दिन में करेंगे, सिक्स बाय एक्स में। प्लस एट बॉयज़, एट बॉयज़ एट बाय वाई में करेंगे, 14 डेज में काम कर रहे हैं, मतलब 1/14 हो जाएगा वन डे वर्क। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको लेट करना पड़ेगा, 1/x को मैंने यू मान लिया और 1/y को मैंने वी मान लिया। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/10। और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 6u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/14। सेम किसी भी एक मेथड से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, u और v की वैल्यू निकाल सकते हो। जब u की वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट 1/140। और सेकेंड किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, v की। किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकेंड v की वैल्यू निकालेंगे तो 1/280 आ जाएगा। तो 1/x किसके इक्वल था, u के। 1/x इज इक्वल टू 1/140। और 1/y किसके इक्वल था, v के, 1/280। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 डेज, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280 डेज। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि एक मैन जो 1/x एक दिन में कर रहा था, तो टोटल डेज उसको अकेले को कितने लगेंगे, 140 डेज। और बॉय जो 1/y कर रहा था, तो उसको टोटल डेज कितने लगेंगे, 280 डेज। ये मैंने आपको एक एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर रुपीस 1520, thereby making a profit of 25% on the chair and 10% on the table. आगे है, बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर 1535, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% on the chair and 25% on the table. Find the cost price of each. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, देख लेते हैं इसमें क्या है। ये किस पे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड है। एक मैन है, वो सोल्ड कर रहा है चेयर और टेबल दोनों मिलाकर कितने में, 1520 पे। तो उसको 25% का चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है, 10% का टेबल पे प्रॉफिट हो रहा है। मुझे दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ से भी सेम में। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बी एक्स एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी
वाई, चेयर और टेबल की कॉस्ट प्राइस मान ली मैंने। अच्छा, दोनों की सेलिंग प्राइस कितनी बता रहा है, दोनों की मिलाकर 1520। तो मैंने, मेरे को पहले चेयर की सेलिंग प्राइस और टेबल की सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का चेयर पे, तो उसने एक्स रुपीज़ की खरीदी थी, उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस, किसकी, चेयर की। और टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको, 10% का, तो वाई थी प्लस वाई प्लस 10% ऑफ वाई, दोनों को मिलाकर वो कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 1520। यहाँ से जब इक्वेशन फ्रेम करेंगे तो वी विल गेट 125x/100 प्लस 110y/100 इज इक्वल टू 1520। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। 100 एलसीएम लेकर अपन वो सॉल्व कर सकते हैं इसको, इक्वेशन को। जब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो यू विल गेट 25x+22y इज इक्वल टू 30400। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपके। अब आगे पढ़ते हैं। बाय सेलिंग टुगेदर फॉर 1535 ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द चेयर। अगर वो 10% प्रॉफिट चेयर पे देता है, तो चेयर की कॉस्ट प्राइस एक्स थी, उस पर 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और टेबल पे कितना प्रॉफिट दे रहा है, 25% का, तो वाई प्लस 25/100 ऑफ वाई, दोनों मिलाकर वो कितने में बेच रहा है, 1535 में। टोटल अपन को उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है। इसको जब सॉल्व करोगे तो वी विल गेट 110x/100 प्लस 125y/100 इज इक्वल टू 1535। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो वी विल गेट 22x+25y इज इक्वल टू 30700। ये मेरे को एक सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब ये इक्वेशन जो है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसी कोई फॉर्म आती है ए एक्स प्लस बी वाई, देखो ये इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों अपने कोएफिशिएंट, तो इसको इजी वे में सॉल्व करना अपन सीख चुके हैं। जब भी ऐसी कोई फॉर्म आती है तो अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देते हैं और दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगी तो आई विल गेट 47x+47y इज इक्वल टू, यहाँ से जब अपन ऐड करेंगे तो वी विल गेट 61100। मैंने क्या किया, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से आप 47 कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, तो इक्वेशन और इजी फॉर्म में हो जाएगी। आपकी इक्वेशन जब आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1300। जब मैं 47 कॉमन लेकर करूँगी तो इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो गई। अब एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 25 माइनस 22 कर देंगे तो अपने पास आएगा 3x+22 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 3y आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट -300। ये अपन ने इक्वेशन को ऐड कर दिया एडिंग, और ये अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन। जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो वी विल गेट x-y = -100। ये एक इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y की। फर्स्ट इक्वेशन थी x+y = 1300, सेकेंड x-y = -100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = यहाँ से आ जाएगा 1200, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। अब x की वैल्यू कहीं भी पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे यहाँ पर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 700। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वर्ड प्रॉब्लम्स। इन दिस वे यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन।